तो आज हम है तबला नवाज, तबला उस्ताद सपन चौधरी जी के साथ, और हम उनसे बात करेंगे। आज वे पुणे में परफॉर्म करने वाले हैं, और जिस इवेंट के लिए आप आए हुए हो वो मिरजकर फैमिली जो लीगसी चल रही है, आप उसके बारे में पहली बार बताइए। मैं तो बहुत खुश हूँ, और क्योंकि नवाज भाई हमको बुलाया है इधर, और 3 साल के बाद मैं पुनः आ रहा है। 3 साल पहले मैं बजाया है, लेकिन मिरजकर फैमिली का जो ये जो फेस्टिवल जो हो रहा है, इसमें पहले बार मैं आ रहा हूँ। ओके। इनके नवाज भाई का जो दादाजी जो है, जो थे महबूब खान साहब, He was one of the pioneer of लखनऊ घराना। क्या बात है। क्योंकि उन्होंने जहांगीर खान साहब के पास सीखे। इनके बारे में मैं सुने थे, अच्छा, लेकिन इतना जानकारी मेरा नहीं था इनके बारे में। ओके। फिर बाद में मेरा पता चला कि बहुत ही गुणी आदमी थे। ओके। और उनके पास दाऊद खान साहब भी सीखे थे। यस। और बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े तबला वादक उनके पास मिल के सीखे थे। और उनके जो नवाज भाई के जो पिताजी भी थे, उन्होंने भी बहुत कमाल का तबला वादक थे। क्या बात है। तो मेरे लिए एक ये जो फैमिली तबला ओरिएंटेड, क्या बात, ये जो तबला फैमिली जो लोग कर रहे हैं उसमें आके बजाना, ये तो आई फील लाइक आई एम वेरी ब्लेस्ड, ग्रेट, कि हमको ये फेस्टिवल में बुलाए। और मैं ये भी कह सकते हैं कि मैं बहुत, मेरा अभी तो उम्र हुआ, बहुत देखा मैंने, बहुत बजाया, लेकिन ये जो आदमी है ना नवाज, ये एक अच्छा आदमी है और बहुत सीधा आदमी है। ओके। लेकिन आजकल जो चल रहा है शोबिज़, इधर सीधा होना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन फिर भी व्हाट आई फील दैट इफ यू आर ट्रूथफुल टू योरसेल्फ, अल्टीमेटली यू विल बी द गेनर। क्या बात है, ग्रेट। सो आई थिंक नवाज विल बी, yes, but I am just requesting him come to India and play more and more and more. Yes. And he is going to do it. Yes. He's a good tabla player, because I heard him. I didn't hear him live, right, but I heard him on YouTube. Yes. One day I was at my home in California, and I just heard him. I said, "Who is this person?" Oh. And played it again. Yes. Because a certain composition he was playing, yes, was, it attracted me. क्या बात। So मैंने सोचा कि ये कौन है भाई, इसको जरा पता कर लेते हैं। फिर बाद में यही फोन किया था, जब पंडित जी आपको आना पड़ेगा। क्या बात है। तो मैंने कहा मैं जरूर आऊंगा। Yes. इसीलिए मैं आया, और I'm very happy to see, and इनका जो लड़के लोग है जो सब, yes, जो स्टूडेंट, इतना, yes, प्यारा है और इतना सच्चा है ये। yes. So my feeling is that this is not going to die. Oh, it, yeah, will grow more. Yes. Yes. That's what I want to see. क्या बात है। पुणे इज नोन टू बी वन ऑफ द पैराडाइज फॉर क्लासिकल म्यूजिक एक्सपोनेंट्स, लेट इट बी वोकल, लेट इट बी इंस्ट्रूमेंटल, लेट इट बी एनीथिंग, let it be Bharatnatyam. Mm-hmm. Savai Gandharva has its own legacy of some 68 years. Mm-hmm. And you must have seen how you get response from audience, yeah, which is very rare these days. Yeah. What do you want to say about Pune? Whenever I played Pune, yeah, I get very excited. Kya baat hai. And also, I want to prepare myself. Right. The reason is, yes, Pune audience, yes, ऐसा तो होता है कि आप बजाइए, हाँ क्या बात, वो तो अलग बात है. Yes. लेकिन जानकारी जो होता है, जो exactly, जो होता, yes, है,
Pune ka audience ka ye they want to hear those old compositions, purana jo ye mera bahut acha lagta hai. To main jab bhi aate hai mera thoda nervous bhi hota hai andar mein aur thoda prepare bhi karte hai. Yes sir. To Pune ka audience ka jawab nahi. पंडित जसराज जी ने कहा था इस पुणे की हवा में ही संगीत है. दैट इज ट्रू. और गुलाम अली साहब ने कहा था, मैंने जब उनका इंटरव्यू लिया था तो वो बोले थे कि जितना अच्छा सुनने की आपको आदत है उतना अच्छा मैं गा नहीं सकता. ये जो बड़ी बात है, मतलब एक एक्सपोनेंट के लिए इतने सालों से आप परफॉर्म करते रहते हैं लेकिन फिर भी जैसे आपने अभी बताया कि प्रिपेयर करके परफॉर्म करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है. आजकल ऐसा होता है कि क्लासिकल म्यूजिक में करियर तो करना है, बच्चे लोग बहुत सारे आते रहते हैं, किसी से प्रभावित होते हैं. चलो स्वपन चौधरी साहब इतना अच्छा तबला बजा रहे तो हम भी तबला सीख ले, लेकिन परफॉर्म करने के लिए उनमें पेशेंस नहीं रहता, बहुत जल्दी उनको स्टेज पर आने की चाहत रहती है. तो ये जो करियर करना चाहते हैं जो यंग जनरेशन है उनको आप क्या सलाह देंगे? ये क्वेश्चन जो आपने पूछा, ये क्वेश्चन बहुत तगड़ा क्वेश्चन है. मतलब ये क्वेश्चन इसका बहुत डेप्थ है. yes. देखिए, हम लोगों का जो म्यूजिक जो है ना, ये फास्ट होता नहीं, फास्ट म्यूजिक नहीं है. एग्जैक्टली. इसमें यू हैव टू हैव दैट डेडिकेशन, यू हैव टू बी ऑनेस्ट, यू हैव टू बी सिंसियर एंड यू हैव टू बी हार्ड वर्किंग. हार्ड वर्कर, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट. यस यस. अच्छा, और दूसरा जो और एक बात है वो सीखना का, सीखने का जो बात होता है, राइट. गुरु के पास जाके सीखा, ये शिक्षा बहुत इम्पोर्टेंट है. यस. जितना मेरा शिक्षा होगा उतना ही मैं आगे बढ़ूंगा, नहीं तो मैं एक लाइन पे जाके बस स्टॉप हो गया और आगे आगे जाने के लिए तो वो लगता है ना नॉलेज, गुरु गुरु ही लगता है, गुरु ही लगता है. वो ही गुरु शो विल शो यू द रोड. लेकिन अभी जो हो रहा है, जो आप बात कर रहे हैं कि ये जो सब रियलिटी शो हुआ, अब देखते क्या क्या टैलेंटेड बच्चे लोग हैं. मैं जब सुनते हैं ना तो मैं सोचता हूँ बाप रे बाप, ये कहाँ तक पहुँचेंगे. क्या बात है. लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया, अब वो बच्चे अभी उसका कुछ नहीं है अंदर में, मैं क्या है. लेकिन मैं सोचता हूँ ये गुरु का दोष नहीं है, ये पेरेंट्स का दोष है. पेरेंट्स का दोष है. यस. क्योंकि पेरेंट्स सोचता है कि वो जल्दी उसका कुछ नाम हो जाए, ऐसा हो जाए, और जीत नेम फेम मनी मिल जाए, जो है जो गाना गाए सनू निगम हो जाए. ऐसा नहीं होता है. नहीं होता. अब देखिए कितना कितना अब सारी वो बच्चे लोग आया, इतना गया, बस उसके बाद उसका हिसाब ही नहीं है कहाँ गई. करेक्ट. एग्जैक्ट. तो क्या होता है कि बाद में वो बच्चे लोगों का अंदर में एक होता है ना, वो इनसिक्योर हो जाता है. इनसिक्योर हो जाता है, दुख भी होता है इसको, ये करके अब मेरा क्या होगा. तो जो खट्टी जो हुआ वो हम लोगों का हुआ, इंडियन म्यूजिक का हुआ. करेक्ट. तो हम लोगों को ये सोचना पड़ेगा कि ये रियलिटी शो जो हो रहा है ये तो बिजनेस के लिए कर रहे हैं. यस. वो चैनल का बिजनेस है. अगर करियर सच में करना है तो मेहनत ही मेहनत है और गुरु के साथ है. आजकल ऐसा भी हो रहा है कि कुछ लोग, कुछ गुरु लोग वर्चुअल ट्यूशन से ले लेते हैं कि कैमरा लगाया और चार पांच देशों में अलग अलग जगह लोग बैठते हैं, वोकल भी पढ़ाते हैं और ये भी पढ़ाते. तो ये क्या गुरुकुल नया ही ऐसा आ गया है? अभी देखिए आप 50 साल पहले जो था अभी तो नहीं है, वो सब कुछ चेंज हो रहा है. करेक्ट. ये जो रियलिटी तो आया है, ये तो विदेश में जो था वो देख के ये लोग शुरू किया. ओके. लेकिन विदेश में क्या होता है, अगर कुछ लड़के ऐसा पोजीशन में आया तो वहां का सरकार, नहीं तो कुछ बिजनेस हाउस, ओके,
दे विल टेक केयर ऑफ दैट सो दैट दे कैन गो फार्दर आगे बढ़ सकता है ऐसा बहुत है क्या बात है वो फिल्म में भी है वो म्यूजिक में है वो थिएटर में है टेलीविजन पर भी सब जगह पे है ओके लेकिन हम ये देश में तो ऐसा नहीं है नहीं यस तो आई फील बैड फॉर दोज किड्स यस लेकिन ये फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है अच्छा नहीं है करेक्ट क्योंकि वी हैव टू सी आवर फ्यूचर यस फ्यूचर जनरेशन एग्जैक्टली दे आर द पीपल हु विल होल्ड द फ्लैग यस दे विल कैरी आवर कल्चर यस राइट सो इफ देयर इज नोबडी देयर देन व्हाट्स गोइंग टू हैपन राइट देखिए आज इंडिया का जो नाम जो है ये सिर्फ इंडियन कल्चर के लिए है एग्जैक्टली एंड क्लासिकल म्यूजिक प्लेज इम्पोर्टेंट रोल व्हाट क्लासिकल म्यूजिक इंडियन रिलीजन इंडियन फिलोसॉफी इंडियन एवरीथिंग दैट साइड इज सो स्ट्रॉन्ग यस दैट एवरीबॉडी हैज दैट रिस्पेक्ट फॉर इंडिया इट्स बिकॉज ऑफ दैट यस सो इफ यू डोंट हैव इन द फ्यूचर यस दैट इफ यू लूज दैट देन व्हाट क्या बात है कैलिफोर्निया में आप रहते हो वहाँ भी आप लोगों को पढ़ाते हो तबला भी है म्यूजिक भी है एक्सेप्टेंस कैसा रहता है उनका दे आर हैविंग वेरी मच रिस्पेक्ट अबाउट इंडियन म्यूजिक व्हाट इज देयर एक्सेप्टेंस लेवल देखिए एक टाइम जो था दैट वाज द टाइम व्हेन हिपी एरिया ओके अर्ली 70s एंड 60s लेट 60s तो उसके बाद जो अभी जो है उसमें एक स्थिति आ गए okay. मतलब पीपल हु आर रियली इंटरेस्टेड ओनली दे कम टू लर्न राइट एंड सो व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट व्हाट इज हैपनिंग नाउ इज दैट कि ये लोग बहुत सिंसियर है क्या बात हार्ड वर्किंग है ऑनेस्ट है Great. और वो जो एक होता है ना कि विश्वास करते हैं एग्जैक्टली They believe in गुरु तो इसीलिए ये लोग बहुत आगे चल रहे हैं अभी क्या आगे बढ़ रहा है देखिए अभी इंडियन म्यूजिक जनरल सब्जेक्ट में आ गए उधर एजुकेशन दिस इज वेरी गुड थिंग यस हर एक स्कूल में आप जाइए हर एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप जाइए म्यूजिक इज देयर इफ देयर इज म्यूजिक देन देयर इज इंडियन म्यूजिक हैज टू बी देयर क्या बात है तो अभी देखिए मैं एक कंजर्वेटरी में मैं पहले चेयरमैन था वो कंजर्वेटरी में वॉल्टर डिज्नी का कंजर्वेटरी यस तो उसमें बहुत बड़ा स्कूल है वो मतलब यूनिवर्सिटी है तो उधर हम लोगों का इंडियन म्यूजिक भी है बहुत सारी म्यूजिक है ओके तो उधर तबला है तबला में ये लोग अंडर ग्रेड कर रहे हैं पोस्ट ग्रेड कर रहे हैं रिसर्च कर रहे हैं क्या बात है पीएचडी कर रहे हैं दे आर मेजर इन तबला ओहो दिस इज वेरी प्रॉमिसिंग थिंग बेस्ट अब देखिए वो लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों का जो आइडियाज जो है ना अभी वो बहुत पीछे है कि जो लोग गाना बजना बजाना करते हैं हम लोग ऑलवेज उसको डाउन देते हैं क्योंकि हम लोग सोचते हैं जो लोग गाना बजाना करते हैं वो बाद में क्या करेंगे भूखा मर जाएंगे ऐसा नहीं आज का ऐसा नहीं है आज का जो लोग गाना बजाना करते हैं वो आराम से अच्छा सा कमा भी अच्छा से कमा रहा है यस तो ऐसा सोचना ठीक नहीं ठीक नहीं अब गाना बजाना में बहुत एजुकेटेड पीपल आ गए क्या बात है बहुत तो, अच्छी बात है तो हाँ तो वहाँ तो विदेश में तो ऐसा डिस्पैरिटी नहीं है यस अभी एक आखिरी सवाल है ओशो ने एक जगह लिखा है कि जो भी क्लासिकल म्यूजिक या म्यूजिक परफॉर्म करता है चाहे वो कंठ संगीत हो चाहे वो इंस्ट्रूमेंटल हो जब उसे प्योर म्यूजिक मिल जाता है
अगर वो सितार बजा रहा है तो वो सितार तोड़ देगा और आगे से नहीं बजाएगा। अगर वो गा रहा है तो वो मौन में चला जाएगा। दैट इज द प्योर म्यूजिक। जो सारेगा में पद निशा पे वो ढूंढ रहा है वो प्योर म्यूजिक ढूंढ रहा है। जिस दिन उसको वो मिल गया वो मौन में चला जाएगा या वो बजाना बंद कर देगा। इसमें एक बात है कि प्योर म्यूजिक अगर आपका हिट करे ना अंदर में गए कॉर्ड, तो आपका अंदर में जितना ईगो इनसिक्योरिटी प्रॉब्लम ये सब खत्म हो जाए। क्या बात, तो आपका विजन जो है यस वो बहुत क्लियर हो जाएगा। और तब तो एक एक सूर का जो अंदाज अगर वो आ जाए तो आप एकदम ऊपर लेवल में चले जाएंगे। यस क्या बात है, क्योंकि हम लोग तो देखा नहीं ईश्वर कौन है कहाँ रहते हैं, लेकिन थ्रू म्यूजिक यस यू कैन डू दैट, यू कैन सी इट, यू कैन सी इट, बट यू हैव टू वर्क हार्ड। एग्जैक्टली, द मेन थिंग इज दैट यू हैव टू वर्क हार्ड इन ऑर्डर टू रीच टू दैट लेवल। थैंक यू वेरी मच मिस्टर सपन चौधरी जी ने हमसे बहुत अच्छी वार्तालाप की और संगीत के बारे में अपने विचार रखे। थैंक यू सर। थैंक यू।